अगले भी बड़े बाबू
मौला मजबूर है। आज मेरा दिन है, एक जुमला मैं शहीदां दे फज़ाइल दा शान दा पढ़ा। आप ले आइए, आप पैदा पुत्रा हो तो मेरे कोल कोई नहीं, मैं इयो छुड़ा सकना जदन वस्ती आई। इसे सैन नु बाबा आधा हर विच तुरना सिखिया आपी बनी कोई तोरे हो संदर दौर जो ते कुमत ना ने दी हुक्म नहीं किया ने के तू पढ़ना, मैं इब्तदा पे पढ़ना रूह सजाद का फज़ाइल पढ़ना। ये सुनो तो शाम दे बाजार च या ना पढ़ना ना तू ना फज़ाइल। एक औरत नबी दी सरानी कुरान पे पढ़ दिए ना सारे सुने कुरान बगल पाक लोग तो कोई दिए कई खुशी एक लवले जरा बंगवा लोग दिन साढ़े बाग ही पैदी औरत हया करो कैदियों ना लोग तमाशा तो नहीं मिल कुरान बगल पाक उठे आइए जिथे सजाद प्या मेरे पीर पहला सवाल की आदि एक कह दिया डाठा बीमार इलाज कर इलाज सुना जरा सज्जाद वो औरत आदि इलाज कर सज्जाद पर मैंने मेरा नमाज दवाए नमाज पढ़न कोई नहीं मेरा पर्दा कर दवाए पर्दा करन कोई नहीं और दी अगर तू ऐसा बीमार जिसका नमाज से पर्दादारी दवा पर तू कैद क्यों हुए ये भी तलाब दे मेरा पीर बोले माई बेगुनाह सैयद समझाए आई लव माई बेगुनाह वो औरत आदि अगर बेगुनाह हो गया तो ये भी तो मुसलमान है मुसलमान तर कैद न कर मेरा पीपर मुझे हजरत यूसुफ जो कैद दसा यूसुफ का कड़ा गुना हजरत यूसुफ का सजाद पाक नाम चाया सब लिया बैठा वो औरत छिड़क दे दिया दिया ना वे कैदी अपनी मिसाल यूसुफ के नाल लड़े यूसुफ न भी जा छिड़क दम ना हुजू अब्बास की सांग हल भी अब्बास के सर चवाद आए मैं छिड़का न दे मुसाफिर पूरा हिंदो भला जिले मैं ने अब्बास से सर की आवाज सुनी मैं हैरान हो गई वे क्या दिए कैदी तो था अजब मौजूद नुमा कैदी जो सर भी बुलेंदे तू कौन है आई लव मेरा पी फ्रॉम ने माई में सैयद भी हां ते इमाम माई आदि ये सैयद के शक बन मैं मना न करे मगर इमामत का दावा न कर क्यों जो इमाम इको मेरा पीर हुसैन मेरा पीर फ्रॉम ने जैसे सच्चा के तेरा पीर हुसैन इमाम है मगर मैं आप भी इमाम हूं मेरा बाबा भी इमाम है मेरा चाचा भी इमाम है मेरा दादा भी इमाम है मेरा पुत्र भी इमाम है माया दी उजड़ गया इतना बेड़ा था मेरे पीर हुसैन का इमाम कौन है मेरा पीर मेरे माई तेरा पीर ही इमाम मैं भी इमाम आई लव दे जिस वास्ते तेरी मेहनत कर माया दी अगर तू इमाम है लफ समझाए अगर तू इमाम है
امام جس حالت جو میں امام امام ہوں میرا پیر بن لے حامل وہ عورت آدھی کوئی گواہ دے جو میں منا پہلے تو شام جو دیکھا دیکھ دیا جائے ہم آئی کہ کون ہے میرا گواہی آدھی کوئی نہ دے میرا پیر بن لے ایک موجود ہے عورت آدھی کیڑا گواہی میرا پیر فرمندے جڑا بغل اس قرآن میں یہ قرآن میں کوئی بولیں گے میرا پیر فرمندے ناطق بلائے تو سامنے بھی کیا جڑا دے جنوں میں یہ بھی بس بلا میرا پیر فرمندے ہاتھ تیرا میں قرآن تے ہاتھ قرآن نو ہاتھ میرا پیر اشارہ کر کے دے اے کلام خدا تیرے پچھے میں خفیہ قید کر تیرے پچھے میں بھریا گھر لٹایا ہاں گلائی دے یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ثم یدی اجر گئی ہے سب میری مرشد ذات میرا پیر اگلے موڑ سے آئے ایک پھانسی کمینی عورت مکان کی چھت سے اس پتھر والا نہیں سمجھا ہم سائی آدھی سکن مرے وہ کمینی آدھی جڑا سان کے سر بدلیا لے لگ میری سین سنے پریشان وال منہ ہٹا کے عباس کی شان گرمی کیا دے گا سارے حضرات کی سلامات چار لفظ تاریخ دے پیش کر کے جو حکم ہوا شروع کر شام بن عبد الملک ابن مروان ملعون بے شمار آخو بالکا شام ملعون دا زمانہ یہ حکم ہوا گھبراہ کر شام ملاؤں اپنے مشیرا نو وزیرا نو سد کے آتا ہے میری صلاح ہے بادشاہ تا میں ہاں ایک پترا سیدان دے دین نو میں ہور بھی مار لے انہاں کہ وہ کیڑا آخ لگا دہاڑے قریب حج دے میں بھی لگا بنا حج دے با
बस लोग मैंने हाजी भी सदे थे घबरा तो नहीं छोड़ दिया मैं तलवार दी पड़ो हाजी भी सदे थे जेड़ा कुछ असा नियत की थी हुई वो कर रहे थे तवज्जो नाल कर रहे सारे आख्या ठीक है तैयारी कर दे पर केड़ी ढिल लगनी आई बाहर हाल किथे आ गए काबे मक्के पर लश्कर नाल अब तुसी जान दियो कि हज दा हजूम दुनिया दा कितना होगा बहुत बड़ी दुनिया होगी यहाँ बादशाह इस हजार कोशिश की थी कि मेरी बादशाहत का चर्चा पवे इस गल का लोग मैं रस्ता देवे मैं खुला होके तवाफ कर मगर जेड़ी दुनिया तवाफ कर रही उन्हें इसकी परवाह ही नहीं कि कोई है या नहीं फिर इस कोशिश की थी कि मैं हजरे असवद का गोसा तो लूं मगर हजरे असवद के भी लोग इस नजदीक नहीं आवन एक मेरे इलाके की बोली मैं करनी है वो तो सा समझो अपने इलाके लाजमत मैं करनी जेड़े ने इस कहे तवाफ कर दिता है ना इस किसे गोसा लैन दिता इधर एक वजीर बोल के आ गए उस जबल बादशाह जड़ी दुनिया आई हुई है ये ईसाई तन मार छोड़े मत समझ के पीछे तू बादशाह है कई शहर आराम का बहराओ जो इज्जत बचावनी है जे ये लोग हटे न चले तू तो बात कर आखिर लगा गल तो ठीक ये बह गया ये तवज्जो ये बह गया लोग तलाक कर रहे या यकदम एक हाजी की तलाक करेंगे उसकी आवाज आई जेड़ी ओ लोग रुक जाओ देखो ओ शहजादा है कौन है ना ये भी सोंदा बैठा तुम जान दे हो ना वो सोंदा कि कोई शाहजादा है कौन है ये दुनिया रुक वो केड़ा शाहजादा कौन है हालात क्या है मैला लिबा तबीयत कमजोर अगर नाराज हो तो पूरा हाल दस अखी मौत नहीं जिसका नाम है सैयद उस्ताद सज्जाद जिले सज्जाद तबाह करने वाली दुनिया के कोल पहुंचे तवज्जो दुनिया दी है रोंदे क्यों वो पूरी दुनिया रोक के एक रास्ता बनाए अभी दुनिया दे सब दुनिया ने हाथ बच आवा का तवाफ सारी दुनिया रुकी हुई सज्जाद तवाफ मेरा पीर सज्जाद तवाफ ये मलाउन बैठा बस ये दिल दे विच हसद दी अग भड़कती बन इस हजार कोशिश की थी कि मैं हजरे असवद का बोसा लूं दुनिया इसको नजदीक ना वजन इसलिए सज्जाद इरादा किया कि मैं हजरे असवद का बोसा लूं तारीख पढ़ रहे हैं हजरे असवद अपनी जान छोड़ के सज्जाद के कदम बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सज्जा पढ़ो जी सैयद ने हजरे असवद का बोसा लाए ए मलाऊन भड़के आए अग भड़की इस दिल दिल मुनाफकत जेड़े इसके नाल हालश कर उसनु वेख क्या दे ओ मेरे रियाया बड़े तकबरी लहजे का आदा इस कौन है
कितनी जेड़ी इसकी इज्जत पई हो। कौन? कोई नहीं बोलिया, पूरी तवज्जो, कोई नहीं बोले, सब चुप। फिर बोलिया, मेरी नहीं आया, मेरे तनखादार मन का तो एक कौन है जिसकी इतनी इज्जत हो रही है? फिर भी कोई नहीं बोले। जवाब नहीं देने कौन है इज्जतदार जिसकी इतनी इज्जत हो रही है? मैं सलाम किसे नहीं करन दिता, मैं तलाब किसे नहीं करन दिता? बादशाह मैं, बादशाह मैं, ये कौन है इस हुशाम दा तनखादार मुलाजिम है? एक शायर है जिस तनाए फर्ज तक बाकी दुनिया सब चुप जान बुझ के पूछना है कौन है, तू नहीं जानता? माशाल्लाह आके लगा तू क्या दस, आके लगा हया कर, नहीं पता नालू किसे बंदे आख्या फर्दा मारिया वैसे ये क्या करे ना फर्दा खादा ते तो नहीं पता मैं तारीफ कैदी करनी नहीं पता ये आया कौन खड़ोता तुम क्या जानो खामोश हो अगर तू नहीं जानता ये कौन है कमीने जान बुझ के पूछना के कौन आके लगा तू दस उन्हें जरा कुछ दस यार तैयार इन्हें लिखा कि सानू सज्जाद का कसीदा सुन मैं पढ़ू मैं सैयद सज्जाद का कसीदा सुन मेरे बच्चे का लिखे हुआ मैं पेश कर रहा मगर सज्जाद उत्ते बुलंद आवाज के नाल सलवा मौला हुसैन का नाबाद है कि एक बारी भी फिर बुलंद सलवा फर्दक की जबान के लफ्ज उस अरबी च कसीदा पढ़िया जेड़ा कुछ उस शाम ने दसिया उन्हें लफ्जों का तर्जमा करके मेरे पुत्र कसीदा पंजाबी मगर सलवात कुछ ही पढ़ो तो मैं शुरू कर कौन है
ਆਇਤ ਦਾ ਇੰਦਾ ਕੁਲ ਕਨਾਤ ਤਰਾਜ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸਭ ਕੇ ਸਭ ਬੋਲੋ ਨਾਰੇ जमा मेरे बच्चे का भी सदा कदे याद रख अल्लाह दे गरीब क्यों इधर कपड़े क्यों मैले ये कमजोर क्यों ये खून क्यों ये फकरा नहीं सुने रोमन आखिरी लफ्ज़ों कमीना दे खून क्यों फर्ज अपनी अखी ना सावर दे बदल अखी बस पी
मगर आम ऐसा सामाजिक थे जिसे गुर्बत शुरू हुई शुरू हुई तू आना ना गरीब मैं उसे शुरू करा जिसे शुरू शुरू हुई गुर्बत शुरू हुई एक कमी ना दे दू सदक रो क्या दे शाम गरीब शाम को अरे उस वेले सदा गुरबतियो ये शाम जवाब ना कहीं शाही
Oh, my God.